हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। आज की वीडियो में मैं इंट्रो नहीं दे रहा हूँ, डायरेक्ट वीडियो शुरू कर रहा हूँ। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। काफ़ी सारे दोस्तों का कमेंट मिला था कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कब जाना है, क्या डिपार्टमेंट की तरफ से हमारे पास कॉल आएगी तब जाना है, टोटल सीट कितनी होगी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसी होगी आदि। दोस्तों सभी के कमेंट का रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। हेल्पलाइन नंबर पर हुई बात के अनुसार मैं आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हमें ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करना है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे और यहाँ पे जो ऑफिशियल वेबसाइट है यहाँ पे हमें आ जाना है, heartownservices.com। यहाँ पे क्लिक करने के बाद हम ऑफिशियल वेबसाइट के मेन पेज पर आ जाएंगे। हमें यहाँ पे देखिए थ्री डॉट वाला ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पे हमें थ्री डॉट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पे डेस्कटॉप साइट मोड पे क्लिक कर देंगे तो डेस्कटॉप साइट ओपन हो जाएगी। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे देखिए थ्री लाइंस आपको शो रही है। यहाँ पे हमें क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे पब्लिक सेंटर वाला ऑप्शन है, यहाँ पे आ जाएंगे। पब्लिक सेंटर के बाद यहाँ पे एडवर्टाइज, फिर एडवर्टाइज वाला ऑप्शन ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद देखिए हमारे पास, मैंने पहले ही एक वीडियो बनाई थी मेरिट लिस्ट के आधार पर कि उसमें मेरिट लिस्ट में नाम कैसे चेक करें, वो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से देख सकते हैं। अब हमें एडमिशन नोटिस आईटी ट्रेनिंग फॉर एससी कैंडिडेट इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। और यहाँ पे देखिए दोस्तों, आपको क्या करना है, जो पीछे मेरिट लिस्ट दी हुई थी उसमें क्या था, सभी स्टूडेंट्स का एक रैंक जनरेट कर दिया था कि यहाँ पे लिखा हुआ प्रोविजनल रैंक लिस्ट ऑफ एससी कैंडिडेट फॉर कंप्यूटर ट्रेनिंग। आपको एक प्रकार का रैंक मिल गया था, उस रैंक के हिसाब से ही आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, एडमिशन है, उस रैंक के हिसाब से ही होगी। तो यहाँ पे देखिए सबसे थोड़ा सा नीचे आएंगे, स्क्रॉल डाउन करेंगे और यहाँ पे देखिए दोस्तों, आप ना नोट में यहाँ पे लिखा हुआ है द फाइनल मेरिट लिस्ट विल टेंटेटिवली बी अपलोडेड ऑन 5 अप्रैल 2022। यहाँ पे लिखा हुआ है कि टेंटेटिवली है जो फाइनल मेरिट लिस्ट है वो 5 तारीख तक अपलोड की जाएगी। यहाँ पे एक अप्रोक्स टाइम दिया हुआ है और साथ में लिखा हुआ भी 100 से 150 कैंडिडेट विल बी कॉल्ड विद ओरिजिनल डॉक्यूमेंट फॉर वेरिफिकेशन। देखिए अभी तक फाइनल मेरिट लिस्ट आई नहीं है दोस्तों, तो कल को 5 तारीख है, तो क्या हो सकता है, कल को डिपार्टमेंट की तरफ से एक लिस्ट जारी की जाएगी कि भाई इस रैंक से, मान लिया 1 रैंक से 200 रैंक तक के स्टूडेंट हैं, उनका वहाँ पर लिस्ट में नाम दे दिया जाएगा। उनको अपने डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से वहाँ पे टाइम दिया जाएगा कि भी इस डिस्ट्रिक्ट के लिए ये टाइम है, ये डेट है, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए 1 रैंक से 200 रैंक, 500 रैंक जो भी है वो डिपार्टमेंट डिसाइड करेगा दोस्तों। रैंक के हिसाब से आपको वहाँ पे नोटिस दे दिया जाएगा, क्योंकि अगर पर्टिकुलरली हर स्टूडेंट को कॉल किया जाएगा तो मे बी हो सकता है डिपार्टमेंट कॉल ना करे, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने फॉर्म फिल किया हुआ, तो अगर हर स्टूडेंट को कॉल करेंगे तो मे बी हो सकता है काफ़ी टाइम लग जाए। तो वहाँ पे रैंक के हिसाब से एक लिस्ट जारी कर दी जाएगी, उस लिस्ट में आपने अपना रैंक के हिसाब से देख लेना है, जो भी टाइम दिया हुआ है उस डेट को, टाइम को वहाँ पे जाकर के आपने अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवानी है, ठीक है दोस्तों। और जितनी भी सीट अवेलेबल होंगी जिले के हिसाब से, यानी कि डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से सीट है, वो अलग अलग भी हो सकती है, लेकिन उसका ब्यौरा जो ऑफिशियल वेबसाइट पे नहीं दिया हुआ कि दोस्तों इस डिस्ट्रिक्ट में इतनी सीटें अवेलेबल है, इस डिस्ट्रिक्ट में इतनी सीटें अवेलेबल है, तो आप जब वेरिफिकेशन के समय जाएंगे तो वहाँ पर भी आप डिपार्टमेंट की तरफ से जो भी स्टाफ होगा वहाँ पर सीटें कन्फर्म कर सकते हैं। और दोस्तों हो सकता है, देखो अगर आप वहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे, मान लिया सीटें लगभग 100 हैं, तो फर्स्ट 150 या 200 कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। अगर कोई कैंडिडेट समय पर नहीं पहुँचता है तो दोस्तों उसका में भी हो सकता है एडमिशन ना हो। सेकंड चीज़, अगर किसी डॉक्यूमेंट, किसी स्टूडेंट का डॉक्यूमेंट अधूरा रह जाता है, समय पर नहीं दे पाते, तो वो भी दोस्तों उसके बाद जो नेक्स्ट स्टूडेंट होगा उसको एडमिशन के लिए प्रेफरेंस दिया जाएगा। और टोटल दोस्तों सीट के बारे में आप डिपार्टमेंट से पता कर सकते हैं। कुछ स्टूडेंट पूछ रहे थे कि भी क्लास का टाइमिंग क्या होगी, देखिए वो टाइमिंग होगी आपके एडमिशन के समय, जो डिपार्टमेंट है वो चूज करेगा कि कितने बैच चल रहे हैं सेंटर में, उस बैच पे डिपेंड करता है कि आपको क्या टाइम मिले क्लास का, है ना। और साथ में कुछ स्टूडेंट ये पूछ रहे थे कि भी फाइनल लिस्ट कब लगेगी, तो दोस्तों डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद ही फाइनल लिस्ट आएगी। जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगी, टोटल सीट जितनी भी अवेलेबल होगी उतने ही बच्चों को बुलाया जाएगा। अगर ज़्यादा सीटें हैं तो उससे नेक्स्ट रैंक वाले बच्चों को वहाँ पर नोटिफिकेशन दे दिया जाएगा कि भी इस डेट को आगे इन रैंक वाले स्टूडेंट को आना है और उनके डॉक्यूमेंट वेरीफाई होंगे।
तो इस प्रकार से डॉक्यूमेंट वेरीफाई होंगे और जितनी भी सीटें अवेलेबल होंगी उन सीट के हिसाब से ही एडमिशन होगा। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ कि सभी कमेंट का आपका रिप्लाई मिल गया होगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।